फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपैरेटिव डिग्री, निम्नलिखित वाक्यों को सीडी में चेंज, यानी जितने भी सेंटेंसेज हैं उसको हमें सीडी में चेंज करना है। सीडी में चेंज करने के लिए जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में ले जाएंगे और जो लास्ट में उसको फर्स्ट में। लास्ट में क्या है, सोनी, तो पहले सोनी लिखेंगे। सोनी के अकॉर्डिंग इज ए वर्ब सिया लेगा इज। इस सेंटेंस में देखेंगे नॉट का यूज है या नहीं है। यदि नॉट का यूज नहीं होगा तो सीडी में हम नॉट का यूज करेंगे। तो इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट का यूज करेंगे। सोनी इज नॉट। अब एज, एज या सो एज को सीडी में हम नहीं लिखते हैं, एज एज हटा देंगे। अब वाइज का सीडी क्या होगा, वाइजर। सोनी इज नॉट वाइजर। अब सीडी के बाद हमें क्या लिखना होता है, देन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, देन। बट सम लैटिन एडजेक्टिव्स एंड विद ओ आर। लेकिन कुछ लैटिन से एडजेक्टिव है जिसके अंत में क्या होता है, ओ आर होता है, उसका सीडी बनाते वक्त हम देन के बदले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। देन के बदले टू। एक सेंटेंस है, यू आर सीनियर टू पूजा। अब यहां पे यू आर सीनियर देन पूजा हम लिखते तो गलत होता, इसलिए यू आर सीनियर टू पूजा। तो याद रखिएगा जो लैटिन से एडजेक्टिव है जिसके अंत में ओ आर होगा, आसान सा ट्रिक, ओ आर होगा, उसके बाद आप टू का यूज कीजिएगा, कभी भी देन का यूज मत कीजिएगा। तो सोनी इज नॉट वाइजर। सीडी के बाद तो हमें देन लिखना है, देन लिखेंगे। अब स्टार्टिंग किससे है, राधा से, तो हम राधा लिखेंगे। सोनी इज नॉट वाइजर देन राधा। एक चीज और समझ लीजिए, यहां एज एज है, एज एज का यूज अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में हो जाएगा, कॉमन एरर में आ जाता है। एज एज का यूज अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन सो एज का यूज, सो एज का यूज ओनली निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। जैसे हम यहां पे लिखे हैं राधा इज एज वाइज एज सोनी, ये अफर्मेटिव है, तो यहां पे हम राधा इज सो वाइज एज सोनी नहीं लिख सकते, यदि वो लिखते तो गलत होता। और यहां पे देखिए ही इज नॉट सो काइंड एज श्याम, ये निगेटिव है, तो आप चाहे तो एज एज भी लिख सकते हैं और चाहे तो सो एज भी लिख सकते हैं। चलिए इसका सीडी बनाइए, ही इज नॉट सो काइंड एज श्याम, अंत में क्या है, श्याम। तो पहले हम लिखेंगे श्याम, श्याम की अकॉर्डिंग इज एमआर में से क्या लगे, इज एमआर है तो हम भी इज एमआर ही लिखेंगे, तो श्याम के अकॉर्डिंग इज। इस सेंटेंस में नॉट है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, सो एज को तो ड्रॉप करेंगे ही। काइंड का कंपैरेटिव क्या होगा, काइंड ऑफ, श्याम इज काइंड ऑफ। सिटी के बाद हमें क्या लिखना है, देन लिखना है, काइंड ऑफ देन। अब स्टार्टिंग किससे है, ही से, तो यहां पे ही लिखेंगे। कभी कभी कॉमन एरर देता है, श्याम इज काइंड ऑफ देन हिम लिख देगा, तो याद रखिएगा यहां आप सब्जेक्ट का इससे सब्जेक्ट से तुलना कर रहे हैं, ये भी सब्जेक्ट रूप में है, इसलिए यहां पे ही का ही यूज होगा, हिम का यूज नहीं होगा। अब दूसरा पैटर्न देखिए, नो अदर बॉय इन योर क्लास इज एज हैंडसम एज अमन। इसका हमें सीडी चेक बनाना है, इसका रूल होगा, पहले आपको सब्जेक्ट इज एमआर या जो भी भाव दिया होगा, वाज दिया होगा, V1, V5 दिया होगा, कुछ भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग भाव हम लेंगे। यहां पे हम सीडी लिखेंगे, आफ्टर दैट देन प्लस एनी अदर, एनी अदर के बाद हमें लिखना है सिंगुलर नाउन। आप एनी अदर के बदले चाहे तो ऑल अदर भी लिख सकते हैं, बट ऑल अदर के बाद प्लुरल नाउन का यूज होगा, PN का यूज होगा। देखिए यहां पे नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस SV, यानी नो अदर के बाद आप जब भी लिखेगा तो सिंगुलर नाउन लिखिएगा। देखिए जैसे नो अदर बॉय है तो यहाँ पे बॉयज का यूज नहीं होगा, कॉमन एरर में दे देता है, नो अदर बॉयज इन योर क्लास इज एज हैंडसम एज अमन, तो वो पार्ट आपका गलत है। नो अदर के बाद क्या होगा,
बॉयज नहीं होगा, बॉय का यूज होगा। तो नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। साथ साथ ये भी जानिए, जब एनी अदर भी होगा तो उसके बाद भी हमें क्या लिखना होगा, सिंगुलर नाउन ही लिखना होगा। लेकिन आप चाहे तो ऑल अदर भी लिख सकते हैं एनी अदर के बदले। तो एनी अदर के बदले ऑल अदर लिखेगा तो पी एन का यूज होगा, इट मीन्स प्लूरल नाउन का। चलिए इसको चेंज कीजिए। नो अदर साइन, नो अदर बॉय इन योर क्लास इज एज हैंडसम एज अमन। हमें तो सीडी भी चेंज करना है तो लास्ट से लेंगे। लास्ट में क्या है, अमन, पहले अमन लिखेंगे। अमन, अमन के अकॉर्डिंग ईजे मार में से, इसमें ईजे मार में तो नीचे मार में से ऑप्शन उठाएंगे। अमन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज, अमन इज एज, एज को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हमें क्या नियम बोल रहा है, सीडी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सीडी। तो सीडी जो एज एज के बीच में पीडी है उसी का सीडी बनाएंगे। तो हैंडसम एक बार में रीड नहीं कर सकते हैं, तो यानी इसका कंपेरेटिव हम बनाएंगे मोर हैंडसम। तो हैंडसम का कंपेरेटिव क्या होगा, मोर हैंडसम। सीडी के बाद हमें क्या लिखना है, देन, देन लिखेंगे। देन के बाद क्या लिखना है, एनी अदर, एनी अदर लिखिए, एनी अदर। उसके बाद क्या लिखना है, सिंगुलर नाउन। अब नो अदर के बदले ही हमें लिखना होता है एनी अदर। नो अदर के बदले ही क्या लिखना होता है, एनी अदर या ऑल अदर। तो नो अदर के बदले तो हम एनी अदर लिख दें, तो बचा क्या है, बॉय। क्या बचा है, बॉय। तो बॉय हमें यही बोल रहा है सिंगुलर नाउन, तो हम बॉय लिख दिए। अदर वर्ड अब जो बचा है, अब इधर जो बचा है उसको लिखेंगे। तो क्या बचा है, इन योर क्लास, इन योर क्लास। अमन इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय इन योर क्लास। आपको बोले थे कि पीडी को सीडी में चेंज करते वक्त यदि नॉट का यूज नहीं होगा तो हम नॉट का यूज करेंगे। सर जी इसमें नो अदर बॉय इन योर क्लास, ये मत सोचिए कि इसमें नॉट नहीं है। नॉट, ये जो नो है ऑलरेडी है, ऑलरेडी इसमें नो है, इसलिए इसमें नॉट का यूज नहीं। और साथ साथ ये भी जान जी, यहाँ पे वेरी फ्यू दिया है, फ्यू, फ्यू एक निगेटिव मीनिंग है, निगेटिव मीनिंग देगा फ्यू, लिटिल, हार्डली, इसका सेली, रेयरली, नथिंग, नोबडी, ये निगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए इसको निगेटिव नॉट समझिए। अब दूसरा एग्जाम्पल, नो अदर साइंटिस्ट इन इंडिया वाज एज फेमस एज एपीजे अब्दुल कलाम। हमें इसका सीडी बनाना है, कि वही प्रक्रिया करेंगे। अंत में क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम, तो हम लिखेंगे एपीजे अब्दुल, एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद हमें क्या, इसमें देखिए भाव क्या दिया है, वाज दिया है, क्या दिया है। तो अब यहां पे हम ईजे मार के यूज नहीं करेंगे, अब हम वाज वो में से यूज करेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सीडी लिखना है। तो यहां एज एज के बीच में जो पीडी है उसी का सीडी बनाएंगे। तो फेमस का सीडी क्या होगा, मोर फेमस, मोर फेमस। और सीडी के बाद क्या लिखना है, देन, देन लिखेंगे। देन के बाद क्या लिखना है, एनी अदर, तो हम एनी अदर का यूज करेंगे। एनी अदर के बाद क्या, सिंगुलर नाउन। आप नो अदर के बदले ही नहीं एनी अदर लिखते हैं, तो नो अदर के बदले एनी अदर लिख। उसके बाद क्या बचा है, साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट लिखेंगे। अब अदर वर्ड इधर दे दिया, तो अब साइंटिस्ट के बाद क्या बचा है, इन इंडिया, तो हम लिख देंगे इन इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम वाज मोर फेमस देन एनी अदर साइंटिस्ट इन इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम वाज मोर फेमस देन एनी अदर साइंटिस्ट इन इंडिया। अगला,
very few girls in your city are as beautiful as Neha. इसका हमें सीडी बनाना है. इसका लोगों पहले हमें क्या लिखना है? पहले सब्जेक्ट इज एमा, वाज जो भी भाव होगा वो लिखेंगे, प्लस हम सीडी बनाएंगे. उसका देन अब वेरी फ्यू के बदले हमें क्या लिखना होता है? मोस्ट ऑफ. वेरी फ्यू को हम चेंज किस में करेंगे? मोस्ट ऑफ में. यहां पे हम लिख दें वेरी फ्यू को किस में चेंज करेंगे? मोस्ट ऑफ. अब प्लस पी एल, अब प्लस अदर वर्ड चेंज करके देखिए. वेरी फ्यू गर्ल्स इन योर सिटी आर एज ब्यूटीफुल एज नेहा. अंत में क्या है? नेहा. तो पहले हम नेहा लिखेंगे. इस सेंटेंस में ये जवाब है. तो गर्ल्स वेरी फ्यू के बाद प्लुरल नाउन, वेरी फ्यू के बाद प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब का यूज होगा. यहाँ पे गर्ल्स के बाद यहाँ पे इज लगा देता तो गलत हुआ, कॉमन एरर में दे देता है. या वेरी फ्यू के बाद गर्ल्स नो लिख कर क्या दे देगा? ओनली गर्ल का यूज कर देगा. ये ध्यान दे रखिएगा. तो नेहा यहाँ इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है. तो हम अपना सब्जेक्ट नेहा लिए है, नेहा के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होगा. तो नेहा इज आर है तो हम क्या लिखेंगे? इज. इज मार से लिख दिए. उसके बाद हमें क्या लिखना है? सीडी. तो एज एज के जो बीच में है उसी का सीडी बनाएंगे. तो ब्यूटीफुल का सीडी क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल. मोर ब्यूटीफुल. उसके बाद मोर ब्यूटीफुल लिखकर सीडी बनी. उसके बाद हमें क्या लिखना है? देन. देन देन के बाद क्या लिखना है? मोस्ट ऑफ. मोस्ट अदर. मोस्ट अदर के बाद क्या लिखना है? पीएम. तो हम वेरी फ्यू के बाद लेंगे ना मोस्ट अदर लिखे. तो वेरी फ्यू के बाद जब हम मोस्ट अदर लिख दिए तो उसके बाद क्या बचा है? गर्ल्स बचा है. प्लुरल नाउन गर्ल्स. अब यहां पे हम गर्ल का यूज नहीं करेंगे. गर्ल्स और अदर वर्ड में अब क्या बचा? इन योर सिटी. इन योर सिटी. एक और वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज फेमस एज मोदी. इसका सीडी मोदी. मोदी के अकॉर्डिंग इज मार्म क्या लेगा? इज. एज एज को ड्रॉप करेंगे. अब फेमस का सीडी क्या होगा? मो फेमस. मो फेमस. अब सीडी लिखा हमने तो पता है क्या लिखना है? देन. मोदी इज मोर फेमस देन. और देन लिंक हमें क्या लिखना है? मोस्ट ऑफ. मोस्ट ऑफ. और मोस्ट ऑफ के बाद पीएन का यूज करना. इट मींस प्लुरल नाउन के यूज करना है. तो वेरी फ्यू के बाद लीडर्स बचा. वेरी फ्यू को तो ड्रॉप किए. वेरी फ्यू के बदले ही लिखा जा रहा है मोस्ट ऑफ. अब इधर बचा क्या? लीडर्स. अदर वर्ड में क्या बचा है? इन इंडिया. तो मोदी इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया. यहां पर देखिएगा वेरी फ्यू के बाद ऑलवेज पी एन प्लस पीवी. प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब का यूज होगा. वेरी फ्यू बॉयज इज. देखिए यहां पे बॉयज इज कर दिया है तो क्या है ये सेंटेंस? गलत होगा आगे. अब वेरी फ्यू बॉयज आर. आर है इसके बाद हमारा सही होगा. मोस्ट अदर के बाद हमें क्या होगा? पी एन. इट मीन्स प्लुरल नाउन का ही यूज होगा. क्लियर?